हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास ये एचएफ डीलक्स गाड़ी हुई है, गाड़ी आई हुई है और इसका इंजन अभी बनाया तो अभी बहुत देर से किक मार मार के परेशान, लेकिन बंद ही आई है, ये स्टार्ट होके नहीं आई है और खींच के आई हुई है और हम इसमें बहुत देर से परेशान हैं। तो करंट भी नहीं आ रहा है, मिसिंग कर रही गाड़ी, थोड़ा स्टार्ट होती बंद हो जाती, फिर उसके बाद हमने इसमें देखा, कॉइल खोल के देखी तो ये पिकअप कॉइल है ना, बिल्कुल देखो अर्थिंग कर रही, कहाँ से पिकअप लेगी। और इसकी वजह से बहुत परेशान हुए और कम से कम एक घंटा लग गया इसको स्टार्ट करने में, कभी इधर देख रहे कभी सीडीआई चेक कर रहे। इसके बाद मैंने देखा कि कॉइल ही चेक करें एक बार, जब कॉइल चेक करके देखा तो उसमें ये निकला, तो हमने अभी ये दूसरी डाल रखी है, ये देख रहे हैं अभी हमने दूसरी बाईपास करके डाल रखी है। और इसके बाद अभी इसको हम क्लियर करेंगे, देखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से कॉइल फूकी नहीं है, सिर्फ ये पिकअप कॉइल ही अर्थिंग कर रही है, इसकी वजह से ये पिकअप में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, करंट डायरेक्ट दे रही है, काट नहीं रही है इसकी वजह से, तो ये हीटिंग कर रही है इसमें। और इसमें ये दिक्कत, ये कहाँ से आई है दिक्कत, ये आई है यहाँ से, किसी ने एनाबोंड लगाया है, ये देखा है एनाबोंड ट्यूब लगा है और यहाँ से पानी गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक होल होता है, ये कट होता है, यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकला नहीं, ये देखो किसी ने ट्यूब इस तरीके से पैकिंग लगाई है, इसमें ट्यूब लगा के ये पैकिंग लगी, ये ट्यूब लगा हुआ है एनाबोंड, इसकी वजह से इसमें पानी रुक गया और पानी रुकने की वजह से ये गाड़ी हीट भी हो रही थी बहुत तेज़ी से, स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड ले रही एकदम हीट पकड़ रही बहुत कसके से और मिसिंग कर रही है। तो अभी हम इसको साफ़ करके फिर ये डाल के फिर आपको दिखाएंगे।